बीजेपी का ऐसा संगठन है जो समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी करता है और एक अलग तरह का संगठन इसलिए दिखाई भी, जैसे मान सिंह पवैया साहब है सर, चूंकि वर्चुअल होती रही है बात लेकिन ये एक्चुअल है लंबे अरसे के बाद, तो जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा उसमें क्या होगा? देखिए कार्य समिति का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, एक हिस्सा होता है राजनीतिक प्रस्ताव जी, और राजनीतिक प्रस्ताव में हम प्रदेश के वर्तमान जो तस्वीर होती है, जो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे कारनामे, जो हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्य हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वर्तमान की ताज़ा उपलब्धियां, उसके बारे में हम लोग प्रस्ताव के माध्यम से जनता के बीच अपने संदेश को पहुंचाते हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, और उसमें अनेक लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है, उसमें संशोधन भी होते हैं। तो ये एक जीवंत संगठन है। कांग्रेस जहां कोरोना और कोरोना के बाद भी डिप्रेशन में चली गई है, वहीं हमारी वर्चुअल बैठकें नियमित रूप से होती रहीं प्रदेश कार्य समिति की जी। और आज फिजिकली जो हम बैठक कर रहे हैं प्रत्यक्ष बैठक, उसमें उत्साह आप देख रहे होंगे। संघ प्रमुख ने बात कही है आज, वो किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन जब विभाजन की बात आई, भारत विभाजन की, तो उन्होंने कहा कि विभाजन पर विचार होना चाहिए फिर से, तो क्या पाकिस्तान की तरफ जाने की बात है जिस तरह से उन्होंने कहा, इसको किस रूप में लिया जाए? हालांकि वो एक कार्यक्रम के दौरान चर्चा कर रहे थे, पर क्या ये जैसे कई मुद्दों पर बात होती रही, संघ प्रमुख समय समय पर बात इशारा करते रहे, इस इशारे को किस तरफ देखें? देखिए एक स्वयं सेवक के नाते हम सब अखंड भारत के उपासक हैं, और वो विभाजन की पीड़ा हमारे मन से गई नहीं है। ये भारत माता की भुजाएं कटने जैसा हुआ था, इसलिए अपने संकल्प पर बोलना ये कोई नया पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया है, ये हमारे हृदय का संकल्प है। इजरायलियों ने शताब्दियों बाद अपने लक्ष्य को पा लिया, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान तो अपनी मौत मरेगा, हमें शायद कुछ न करना पड़े, इसलिए हमारा सपना पूरा हो ये तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी सोचना है।